हेलो एवरी वन एंड वेरी वॉम वेलकम टू शिक्षा सो गाइज दिस इज़ करंट अफेयर्स एंड डेवलपमेंट इशूज़ लेक्चर और इसके अंदर हमने पंद्रह इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज डिस्कस करने हैं एम सी क्यू ज़्यादातर हैं रिलेटेड टू योर डिफेंस एक्सरसाइजेज एंड डिफेंस रिलेटेड ही इसके अंदर एम सी क्यूज हैं क्योंकि डिफेंस एक्सरसाइजेस के ऊपर आप एक्सपेक्ट करके चलो एक या दो क्वेश्चन तो वो पूछेगा ठीक है मिजाइल्स और वो सब तो वो uh, यहाँ पर हमने कवर किए हैं पंद्रह क्वेश्चन हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन कवर करूंगा ठीक है नेक्स्ट में भी पंद्रह से बीस क्वेश्चन सेम टॉपिक के हम रखेंगे ओके सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम विल क्विकली गो ऑन टू द एम सी क्यूज एंड बिफोर गोइंग इन टू द एम सी क्यूज गाइड एम सी क्यू कॉम्बो कोर्स अभी देखो दस दिन बचे हैं ऑलमोस्ट आप लगा करके चलो दस से बारह दिन बचे हैं अभी ये दस से बारह दिन के अंदर ये एम सी क्यू कोर्स लास्ट बेसिकली टाइम है जब आप इसको यूज कर सकते हो ठीक है तो अगर तीन चार पाँच दिन बाद तो फिर ये भी किसी यूज़ का रहेगा नहीं क्योंकि फिर लास्ट के बिल्कुल पाँच दिनों में तो मैं नहीं कहूँगा आपको कि आप एम सॉल्व करो सो अल्टीमेटली दिस इज़ द टाइम इफ यू वांट टू सॉल्व दीज एम ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ सोशल सिक्योरिटी गैप इंश्योरेंस के भी कुछ टेस्ट हैं और पी फाइल्स भी हैं जितनी भी लेक्चर्स की वो भी इसके अंदर आ जाती हैं यू पी एस कोड यूज़ करके फिफ्टी ऑफ़ भी आप इसके अंदर ले सकते हैं ओके okay? सो विल क्विकली स्टार्ट पहला क्वेश्चन है रिलेटेड टू एक्सरसाइज वज्र प्रहार ये अगस्त 2022 के अंदर हुई थी और इससे रिलेटेड आपको स्टेटमेंट गिवन है पहला है कि ये इंडिया और बांग्लादेश की जॉइंट एक्सरसाइज है दूसरा काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन जो है इसका फंडामेंटल कॉम्पोनेंट है इस एक्सरसाइज का आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है पहला दूसरा दोनों या कोई भी नहीं यहां पर दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सेकेंड ओनली पहला गलत है देखो कौन सी एक्सरसाइज किस कंट्री के साथ होती है ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो न्यूज के अंदर है वो तो बेहद इंपॉर्टेंट है तो मैं यहाँ पर आपको इसीलिए पूरा वो लिस्ट फॉर्म में नहीं करा रहा हूँ एमसीक्यू फॉर्म में इसीलिए करा रहा हूँ ताकि जो न्यूज में थी उसको हम हमारा प्राइमरी फोकस रहे नहीं तो लिस्ट तो बहुत लंबी बनी जाती है ओके सो so वज्र प्रहार जो है वो यूएसए के साथ हमारी होती है तो इंडिया और यूएस की ये जॉइंट स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज होती है वज्रपहार ट्वेंटी ट्वेंटी और इसको हिमाचल प्रदेश में कंडक्ट किया गया था अगस्त मंथ के अंदर थर्टींथ एडिशन था ये इसका और एनुअल एक्सरसाइज है हर साल कंडक्ट की जाती है और मेन ऑब्जेक्टिव था बेस्ट प्रैक्टिसेस और एक्सपीरियंस शेयर करना जॉइंट मिशन प्लानिंग ऑपरेशनल टैक्टिक्स और जो आपका काउंटर टेररिज्म वाला फंडा है वो वाला ठीक है तो वज्र प्रहार आप याद रखेंगे इंडिया और यूएस की स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज है नेक्स्ट ओके okay. अब आपको कुछ स्टेटमेंट गिवन है मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड पहला कहता है कि एक्सरसाइज इंदिरा इज आर्म्ड फोर्स एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड रशिया टू इंप्रूव काउंटर टेरर कैपेबिलिटीज अच्छा जी दूसरा रशियन वॉर गेम्स इज अ अट्रल मिलिट्री ड्रिल बिटवीन रशिया एंड चाइना तो रशियन वॉर गेम्स है तो एक तो रशिया हो गई दूसरा बाइलेटर मिलिट्री एक्सरसाइज है तीसरा कह रहा है चाइना के साथ है आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है नॉट करेक्ट पूछा है तो यहाँ पर आपका आंसर होगा अगेन ऑप्शन बी क्योंकि यहाँ पर पहला स्टेटमेंट करेक्ट है इंदिरा जो है इंडिया और रशिया के बीच में होती है और रशियन वॉर गेम्स जो है ये बाइलेटरल एक्सरसाइज नहीं है ये मल्टीलेटरल है ये क्या है मल्टीलेटरल है इसके अंदर रशिया के साथ और भी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं और चाइना और इंडिया दोनों हैं तो ये बाइलेटरल नहीं है इसीलिए यह स्टेटमेंट गलत हो गई आंसर है आपका ऑप्शन बी क्योंकि बी अपने से नॉट करेक्टिव पूछा गया था तो इंदिरा की अगर मैं बात करूं तो इंदिरा बेसिकली काउंटर टेरर ऑपरेशन जो होते हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर उससे रिलेटेड ये एक्सरसाइज है 2003 में हमने ये एक्सरसाइज कंडक्ट करनी शुरू की थी जो बाइलेटरल uh, फॉर्म में होती थी उस टाइम पर ठीक है नेवल uh, एक्सरसाइज होती थी दोनों कंट्रीज की नेवी के बीच में और अल्टरनेटिवली कंडक्ट की जाती थी एक साल रशिया और एक साल इंडिया के अंदर और पहली बार इंडिया और रशिया ने सेम नेम से एक पहली ट्राई सर्विस एक्सरसाइज ट्राई सर्विस एक्सरसाइज क्या हो जाता है जिसमें आपकी तीनों सेनाएं है होती हैं नेवी भी हो गई आर्मी भी हो गई और एयरफोर्स भी हो गई तो वो पहली बार दो में हमने कंडक्ट की थी रशिया के साथ रशियन वॉर गेम्स की बात करें तो इंडिया और चाइना दोनों ने पार्टिसिपेट किया था इसके अंदर और ये पहले ऐसे वॉर गेम्स थे या मिलिट्री ड्रिल आप इसको बोल सकते हो जो रशिया ने होस्ट किए उनके यूक्रेन इन्वेजन के बाद एंड रशिया बेसिकली इसको लीड करता है और बाकी कंट्रीज भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं जैसे इंडिया बेलेरस मंगोलिया तजिकिस्तान ठीक है चाइना तो है बाइलिटरल नहीं है इसीलिए स्टेटमेंट गलत था थर्ड क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है मिलिट्री एक्सरसाइजेज गिवन है और कंट्रीज गिवन है फैक्चुअल क्वेश्चन है पता होना चाहिए कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सी कंट्री के साथ होती है तो ऑफ द फॉलोइंग पेयर गिवन अबव इज आर करेक्टली अच्छा अब पेपर uh, ज्यादा दूर नहीं है तो अभी ये को सिर्फ ऐसे नहीं देखना कि अभी सुन लेता हूं और बाद में जाके याद करूंगा नहीं कोशिश करनी है कि अभी साथ के साथ याद करो पहले तो ये करना है कि क्वेश्चन देख करके उसको खुद आंसर करने की कोशिश करनी है ये देखना है कि आप कितना रिकॉल कर पा रहे हो क्योंकि पेपर के अंदर भी ये एक बहुत बड़ा गेम होता है रिकॉल का कि हम कि इतना कुछ जाते हैं कि माइंड अल्टीमेटली फिर फाइनली उस चीज को रिकॉल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा याद कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा तो मिलिट्री एक्सरसाइज अल नजा के आगे गिवन है सऊदी अरेबिया नोमेडिक एलिफेंट के आगे मंगोलिया खंजर के आगे ईरान करेक्टली मैचड कौन सा one only, one, two, two, one, two, है वन ओनली 1 2 2 1 2 3 करेक्ट आंसर है सी टू ओनली सिर्फ जो आपका

उदार उदार शक्ति एक्सरसाइज वॉज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज उदार शक्ति ऑप्शन है बांग्लादेश बी श्रीलंका सी मलेशिया डी सिंगापुर उदार शक्ति ओके सो so, कौन सी कंट्री के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है तो इंडिया के साथ इसके अंदर पार्टिसिपेट करती है मलेशिया उदार शक्ति में कौन पार्टिसिपेट करता है मलेशिया याद रखेंगे नेक्स्ट इनमें से क्या एग्जाम्पल है इंडिया रशिया जॉइंट प्रोग्राम का बेसिकली ऐसे प्रोग्राम जिसके अंदर इंडिया और रशिया साथ में मिलकर काम कर रहे हैं नंबर एक पे आई एन एस विक्रमादित्य नंबर दो पर है के ए टू टू सिक्सटी ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट तीन पर है ल्यूशिन या जिसको हम एच एल टेक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बोलते हैं और चौथे नंबर पे है बराक तो इंडिया और रशिया का जॉइंट प्रोग्राम इनमें से कौन सा है ऑप्शन ए वन टू बी टू थ्री सी वन डी वन टू थ्री फोर

बाकी जो बराक मिजाइल है वो हमारा इसराइल के साथ हम हमारी डील है बराक मिजाइल पे तो उसमें रशिया नहीं है तो सेकंड और थर्ड यहाँ पर आपका आंसर होना है ओके सो इंडिया रशिया के मिलिट्री टेक्निकल कॉपरेशन बायर सेलर का फ्रेमवर्क है ओके इसके अंदर हम डायरेक्टली रशिया से खरीदते भी हैं और उनके साथ मिलकर के डेवलपमेंट के अंदर भी काम करते हैं ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है दोनों के बीच में जो कंडक्ट की जाती है इंदिरा ज्वाइंट प्रोग्राम्स जो हैं इनके बीच में जो आते हैं उसमें एक तो आ जाती है आपकी ब्रह्मोस क्रूज मिजोइल प्रोग्राम जो है एल्यूशन एच एल टेक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के ए टू टू सिक्स ट्वीन इंजन यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स तो ये आपके जॉइंट प्रोग्राम्स के अंदर आते हैं आई एन एस विक्रमादित्य हमने परचेज किया था तो जॉइंट प्रोग्राम नहीं है और बराक मिसाइल प्रोग्राम जो है इंडिया और इसराइल का जॉइंट प्रोग्राम है ठीक है क्लियर ये थोड़ा सा फैक्ट्स इनको याद रखेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन हेलीना से रिलेटेड क्वेश्चन है पहला स्टेटमेंट कहता है कि ये एक एंटी टैंक मिसाइल है दूसरा कहता है कि ये इसराइल का आयरन डोम टेक्नोलॉजी का पार्ट है पिछले साल काफी न्यूज़ में था इसराइल की आयरन डोम टेक्नोलॉजी जब पैलेस्टाइन वालों ने इसराइल के ऊपर मिसाइलें छोड़ी थी तो अल्टीमेटली वो आयरन डोम ने उ, 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 उन मिसाइल से कंट्री को प्रोटेक्ट किया था थर्ड कहता है कि बैटल टैंक्स को सिर्फ जिनके पास कन्वेंशनल आर्मर है उन्हीं को डिफीट कर सकता है ये आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है एंड एंड पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वन ओनली सिर्फ पहला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है ये इसराइल के आयरन डोम टेक्नोलॉजी का पार्ट नहीं है और ये जो एडवांस्ड आर्मर्स है ना उनको भी डिफीट कर सकती है हेलिना जो एंटी टैंक है ओके थर्ड जनरेशन मिजाइल है और इसको हमने इंडिजीनियसली डेवलप किया है डीआरडीओ ने अंडर द मिजाइल एंड स्ट्रेटेजिक सिस्टम क्लस्टर ऑफ डी मैक्सिमम रेंज इसकी सात किलोमीटर की है एंड इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो टैंक्स वगैरह के ऊपर एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स के ऊपर एंटी टैंक मिसाइल है एंड आयरन डोम का पार्ट नहीं है इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया और ऑल वेदर मिसाइल है दिन और रात कभी भी आप इसको यूज कर सकते हो ये कन्वेंशनल आर्मर को भी डिफीट कर सकती है एज वेल एज जो एफ एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर जो एक मॉडर्न आर्मर है उनको भी ये बेसिकली डिफीट कर सकती है तो दोनों इसके अंदर आ जाते हैं और इसीलिए थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत हो गया था सेवंथ क्वेश्चन बटरफ्लाई माइन ये न्यूज में कई बार इस टर्म मेंशन होती है किस चीज से रिलेटेड है डिफेंस स्मगलिंग इलीगल सैंड माइनिंग या सरफेस कोल माइनिंग तो ये डिफेंस से रिलेटेड है ये बेसिकली एक तरह की एंटी पर्सनल लैंड माइन है ठीक है कि भई आदमी का इस, इसका ना पांच किलो से पांच किलो या उससे ऊपर का वेट इसके ऊपर जाएगा तो ये ब्लास्ट हो जाएगी ठीक है तो बेसिकली एंटी पर्सनल लैंड माइन है एर्थ एक्सरसाइज पिच ब्लैक नंबर वन एनुअल एक्सरसाइज है नंबर टू एटलांटिक ओशन में uh, होती है नंबर तीन इंडियन एयरफोर्स इसमें पार्ट लेगी कौन सा करेक्ट है ए बी सी डी आंसर है आपका ऑप्शन सी सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है पिच ब्लैक की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो बाइनियल एक्सरसाइज है दो साल में एक बार होती है और पार्टिसिपेंट्स के अंदर रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए होती है पहला स्टेटमेंट इसीलिए गलत हो गया सदरन हेमिसफेयर में होती है इंडियन ओशन के ना कि अटलांटिक ओशन में तो इसीलिए दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया और इसको होस्ट करता है आपकी रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स इंडिया भी इसके अंदर एक पार्टिसिपेटिंग नेशन रहता है ओके नेक्स्ट किस सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस भी कहा जाता है तो इसके अंदर आपका आंसर होगा ऑप्शन ए सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस भी कहा जाता है ये फॉर्म फॉर्म ही क्राउन रिप्रेजेंटेटिव जब हुई थी ना CRPF 1938 के टाइम पे तब ये इसका नाम ही क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस था ठीक है 10th बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज वरुणा ये किस देश के साथ किन दो देशों के बीच में होती है तो ये कंडक्ट की जाती है इंडिया और फ्रांस के बीच में वरुणा जो एक्सरसाइज है और uh, 21st एडिशन इसका रिसेंटली हुआ था बायलेटरल एक्सरसाइज है नेवल एक्सरसाइज है दोनों देशों की नेवीज के बीच में होती है ओके okay, नाइनटीन में uh, इसको इनिशिएट uh, किया गया था और नाम इसका वरुणा दो के अंदर रखा था ओके okay, नेक्स्ट सूर्य किरण पहला स्टेटमेंट कहता है कि यह मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और नेपाल के बीच में दूसरा कहता है कि इसका पंद्रहवा एडिशन असम में हुआ देखो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है इंडिया और नेपाल के बीच में होती है दूसरी स्टेटमेंट में एक प्रॉब्लम है क्योंकि असम में नहीं है उत्तराखंड के अंदर हुई थी तो इसीलिए दूसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वन ओनली ओके फिफ्टीन एडिशन जो है वो पित्तौरगढ़ उत्तराखंड में हुआ था ट्वेल्थ क्वेश्चन Joint military exercise कौन सा correctly matched है? तो यूपीएससी दो तीन बार अपने पेपर्स में पूछ भी चुका Answer है आंसर है ऑप्शन डी तीनों आपके करेक्टली मैच है गरुड़ा शक्ति जो है ये इंडोनेशिया के साथ होती है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कुरुक्षेत्र सिंगापुर के साथ और हैंड इन हैंड चाइना के साथ तीनों याद रखेंगे तीनों इंपॉर्टेंट है आई एम टी ट्राइलेट इसके अंदर इनमें से कौन पार्टिसिपेंट नहीं है इंडोनेशिया मंगोलिया तंजानिया तन ऑफ दी पहला एडिशन इसका हुआ था आई एम टी ट्राइलेट का मिलिट्री एक्सरसाइज का आंसर है यहाँ पर आपका ऑप्शन बी मंगोलिया आई एम टी ट्राइलेट जो है ये एक नेवल एक्सरसाइज है और इसके अंदर पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो है तीन कंट्रीज इंडिया मोजम्बिक एंड तंजानिया इसीलिए आई एम टी इंडिया मोजेम्बिक एंड तंजानिया ट्रायलेटरल एक्सरसाइज है और यह पहला एडिशन इसका हुआ था दर एस सलम तंजानिया के अंदर ओके तरकश, ये किन देशों के बीच में एक्सरसाइज हुई है है आंसर आपका ऑप्शन इंडिया और यूएस तो तरकश की अगर हम बात करें तो ये इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस की एक्सरसाइज है और केमिकल और बायोलॉजिकल वॉरफेयर को रिकॉग्नाइज करते हुए ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज है इन्हीं डोमेन्स में इसको कंडक्ट किया गया था चेन्नई के अंदर लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर धर्मा गार्डियन ये किन दो देशों के बीच में होती है बाइलेट्रल एक्सरसाइज है ये होती है आपकी इंडिया और जापान के बीच में इंडिया और जापान के बीच में जो जो एक्सरसाइजेज होती है उसकी लिस्ट आपकी स्क्रीन पे है जिमेक्स नेवल एक्सरसाइज है शीन्यू मेत्री ये एयरफोर्स की है वीर गार्डियन एयरफोर्स की है और धर्मा गार्डियन मिलिट्री की है ये सारी एक्सरसाइज आपने याद रखनी है इंपॉर्टेंट है सो दिस वर द क्विक फिफ्टीन क्वेश्चन गाइस मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में विद अनदर फिफ्टी और ट्वेंटी क्वेश्चन चैनल को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे टेक केयर एंड बाय